मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया है कि वह 3 दिन तक रोज 6000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दे। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत कराए। ये मामला दो राज्यों के बीच की दिक्कत का है, इसे केंद्र संघीय तरीके से सुलझाए। साथ ही दोनों राज्यों से कहा है कि वे केंद्र सरकार का सहयोग करें। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इससे पहले कल तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। कर्नाटक सरकार ने कोर्ट के आदेश में राहत मांगी तो वहीं तमिलनाडु ने इसका विरोध किया था। कर्नाटक सरकार ने कल कोर्ट में कहा था कि वह अपने उस आदेश में संशोधन करे जिसमें कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 6000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन 27 सितंबर तक तमिलनाडु को देने का आदेश दिया था। साथ ही कर्नाटक सरकार ने कहा था कि वह स्थिति में नहीं है कि तमिलनाडु को पानी दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह इस मामले को सुलझाए।